नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे एयर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। जो एयर ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो पहले देख लेते हैं इसके कंपोनेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये लगाया गया है यह है एयर फिल्टर, यानी कि जो एनवायरनमेंट से, जो एटमॉस्फेयर से एयर आएगी उसको अच्छी तरह से फिल्टर करने के बाद इसको दिया जाएगा कंप्रेसर को। तो ये क्या है, यह है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर का काम होता है एयर को कंप्रेस करना और उसको कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशराइज एयर में कन्वर्ट करना। तो कंप्रेसर है ये। कंप्रेसर के साथ यहाँ पे एक वाल्व आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अनलोडर वाल्व। अब जो ये अनलोडर वाल्व है, इसका क्या फंक्शन है, ये अनलोडर वाल्व आगे कनेक्ट होता है रिजर्वायर के साथ। ये जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर का पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर का फंक्शन क्या है कि जो पूरी एयर आएगी इसके अंदर स्टोर होगी वो। तो अनलोडर वाल्व क्या करेगा, ये ओपन और क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू इसका जो रिजर्वायर का प्रेशर है, यानी कि रिजर्वायर के प्रेशर को मेंटेन रखने का भी एक तरह से काम करता है। उसके बाद अनलोडर वाल्व और जो रिजर्वायर हैं इसके बीच में यहाँ पे ये लगा होता है एयर ड्रायर और एयर फिल्टर। तो यहाँ पे एयर ड्रायर लगा है। अब एयर ड्रायर और एयर फिल्टर की यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, देखिए जब भी हम एटमॉस्फेयर से जो एयर लेते हैं पहले तो हम उसको अच्छी तरह से फिल्टर कर लेंगे ताकि उसके अंदर जो भी डर्ट के पार्टिकल हैं वो निकल जाएं। लेकिन फिर भी अगर क्या हो, एयर के अंदर कुछ डर्ट के पार्टिकल रह जाते हैं तो यहाँ पे हम उनको दोबारा फिल्टर कर लेते हैं। और एयर ड्रायर क्या है, अगर उसके अंदर कुछ मॉइस्चर के कंटेंट हैं, यानी कि पानी के कुछ छोटी बहुत थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट को भी यहाँ पर ड्राई कर लिया जाता है, उसको सुखा लिया जाता है। क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट होंगे तो वो ब्रेकिंग जो आपका फेलियर कर सकती हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर वो जम जाते हैं तो इस तरह से वो गर्मियों के अंदर एकदम से वेपर में बन जाते हैं, तो इस तरह से ब्रेकिंग फेलियर वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एयर ड्रायर और एयर फिल्टर का लगाया गया है। तो रिजर्वायर ये हो गया जो कि सारी एयर को स्टोर करेगा। यहाँ पे ये है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व क्या काम करेगा, ये देखेगा कि इसके अंदर जो एयर स्टोर हुई है वो रिक्वायर्ड प्रेशर पे और रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर है या नहीं। अगर ज़्यादा कम है तो यहाँ से वो सेफ्टी वाल्व क्या है, अगर इमरजेंसी में वो लीक हो जाएगा, यानी एयर को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर सेफ्टी वाल्व का यूज़ किया गया है ताकि ये ब्रस्ट ना हो, फटे ना। उसके बाद रिजर्वायर के बाद यहाँ पे लगाया गया है डर्ट कलेक्टर। अब देखिए जो एयर होती है उसको हमें ब्रेकिंग के लिए यूज़ करना है, तो उसके अंदर से जितनी भी डर्ट होगी, यानी कि डस्ट के पार्टिकल होंगे, उनको हमें बाहर निकालना होगा। तो डर्ट कलेक्टर यहाँ पे लगाया जाता है ताकि अगर छोटा मोटा भी उसके अंदर कुछ भी डस्ट है तो उसको भी यहाँ पे फिल्टर किया जा सके। तो डर्ट कलेक्टर के बाद वो जाती है यहाँ पे, ये क्या है, ये है ब्रेक वाल्व। इसको आप ब्रेक वाल्व बोल सकते हैं, इसको आप ट्रिपल वाल्व बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम क्या करता है, ये कनेक्ट होता है हमारा फुट जो रखने का होता है, पैर रखने का होता है, तो फुट जो वाल्व है या फुट पैडल आप इसको बोल दीजिए, तो फुट पैडल जो है वहाँ से ये कनेक्ट होता है, यानी कि ड्राइवर इसको ऑपरेट करता है। जैसे ही फुट पैडल को प्रेस किया जाता है तो ये ब्रेक वाल्व या ट्रिपल वाल्व भी आप इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, जो ये इस लाइन से ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आएगी उसको आगे ट्रांसमिट कर देता है, आगे उसको भेज देता है। तो ब्रेक वाल्व जब भी फुट पैडल को प्रेस किया जाता है तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है इन लाइन का, जिससे कि ये जो कंप्रेस्ड एयर है, हमने देखिए चार पॉइंट बनाए हैं लेकिन एक पॉइंट पे हमने इसको समझने के लिए, ब्रेकिंग सिस्टम को समझने के लिए बनाया है कि जैसे ही जो कंप्रेस्ड एयर है वो यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे देखिए ये सिस्टम है, ये स्लेव सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर से जैसे ही ट्रांसमिट होगी स्लेव सिलेंडर के पास, जिसके अंदर ये दो पिस्टन लगे हैं, यहाँ पर ये एकदम से फैलेगी जो भी हमारी कंप्रेस्ड एयर होगी और इन पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगी, जो ये इस रोटेटिंग ड्रम को पकड़ लेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे रोटेटिंग ड्रम है, और ये क्या है, ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग वाली हमारी जो है ब्रेक, जो ब्रेक के अंदर लगाई जाती हैं फ्रिक्शन लाइनिंग, तो वो इससे कनेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे ये इस रोटेटिंग ड्रम को रोटेशन करने से रोक लेंगी। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे हमने एक में दिखाया है, सबके अंदर इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो जो एयर आती है वो एक्सपेंड होती है, स्लेव सिलेंडर हेल्प करता है और रोटेटिंग सिलेंडर को रोक लिया जाता है। जैसे ही हम फुट पैडल को रिलीज़ करते हैं तो इसका आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है और जो है
जो रिलीज़ कर देते हैं हम एयर को बाहर, तो जिससे क्या है गाड़ी फिर से रनिंग कंडीशन में आ जाती है। तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ मेनली कहाँ पे किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है हैवी व्हीकल्स के लिए। तो हैवी व्हीकल में इसका यूज़ किया जाता है। अब हैवी व्हीकल के लिए इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या होता है अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, हाई ब्रेक पावर चाहिए होती है जो हैवी व्हीकल हैं उनके लिए, जैसे ट्रक हैं, बस हैं, इनके लिए। तो वहाँ पे हम इसका एयर ब्रेकिंग का सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है इसके अंदर सेफ्टी से इसका जो यूज़ है वो करना है, क्योंकि अगर कहीं पर लीकेज हो जाती है तो पूरा ये सिस्टम बेकार हो सकता है। तो इसकी जो लाइनिंग है वो पूरे केयर के साथ, पूरे मेंटेनेंस के साथ और बार बार रिपीटिंग इसको चेकिंग हम करते रहेंगे। तो ये था एयर ब्रेकिंग सिस्टम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।